हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीकेंड, संडे का दिन है और आज मैं अपना रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ और थोड़ी सी लंच डिनर स्नैक्स की रेसिपी। तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं 2-3 खजूर खाती हूं और पानी मैं अपने मूड के हिसाब से लेती हूं, या कभी लुकवार्म ले लेती हूं या कभी नॉर्मल ठंडा पानी लेती हूं। कभी कभी मुझे ना ऐसे पानी लुकवार्म पीने का मन नहीं होता है तो मैं जो नॉर्मल पानी होता है वही लेती हूँ। और आप हमेशा ना जब भी खजूर खाया करें ना तो उसे खोल कर ही खाया करें। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे खजूर में एक आधा कभी ख़राब निकल जाता है और वो एक बार मेरे साथ हो गया, उसके बाद से मैं ना खजूर को तोड़ कर ही खाती हूँ। तो यहाँ पर अपना आराम से मैं सुबह में जो ड्रिंक करती हूँ उसके बाद फिर किचन में आती हूँ। वैसे तो उठने के फौरन ही साथ में ना पहले मोबाइल वगैरह चार्जिंग पर लगाती हूँ, मगर आज जो है ना हमारा चार्जर अब्बा के रूम में है, उनका चार्जर ख़राब हो गया है तो वो एक ही चार्जर से सबका मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो अब्बा लेकर गए थे तो मैं सोची कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर मैं सोची जाती हूँ लेकर आती हूँ। हस्बैंड के मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, 1% चार्जिंग थी, बंद हो जाएगा। सुबह होती नहीं है कि इनके कॉल आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं सोची लाकर जाती हूँ फटाफट से चार्जर लेकर आकर चार्जिंग पर लगा दी। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। ये मैंने उड़द की दाल कल दोपहर में भिगाई थी शाम के लिए, मगर शाम में कोई घर पे था ही नहीं तो मैं इसे बना ही नहीं सकी, ऐसे ही रख दी थी। तो आज मॉर्निंग में इसके मैं वड़े बनाने जा रही हूँ। तो ये रखे हुए थे कल से ना, तो पूरे पानी झाग झाग हो गए थे, तो इसे 2-3 पानी से पहले अच्छे से धुल लूँगी। और ब्लॉग भी शुरू मैंने उसके दूसरे दिन से ही कंटिन्यू कर ली, जैसे कि आज मॉर्निंग से। वैसे तो इसे मैं ओवरनाइट कभी भिगाती थी, जैसे अब मैंने लंच से पहले ही इसे भिगाई थी, सोक करने रखी थी, तो ये इतने अच्छे से सोक हो गया है ना कि अब इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे पीसेंगे तो ये एकदम थिक सा अच्छा पेस्ट बनेगा। मैं दाल पीसने ही जा रही थी उतने में याद आया कि अभी मिक्सर अगर चालू होगा ना तो फिर अब्बा उठ जाएंगे, तो उससे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो उठने के बाद है ना उनको फौरन ही वो दवाई खाते हैं अपनी डायबिटीज़ की, उसके बाद चाय उनको चाहिए होती है। और यहाँ जब तक चाय बनती रहेगी तब तक के मैं दाल वगैरह पीस लूँगी, चटनियाँ वगैरह जो भी है ना सब बना लूँगी। और मैं चटनी ऐसी नॉर्मल बनाती हूँ, पीस लेती हूँ, उसे तड़का वगैरह नहीं देती हूँ, ऐसे भी अच्छी लगती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाली हूँ, 1 से 2 चम्मच, ताकि पीसा जाए अच्छे से, वरना जब दाल हम डालते हैं तब उसे थोड़ा गीला ही डाल देंगे ना तो भी पीस जाएगा। और एकदम थिक बना है, इसमें और कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे वड़े भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये सब है ना सोक करने के ऊपर है, ज़्यादा टाइम तक के जैसे ओवरनाइट और उससे ज़्यादा ही हो गया ना मेरा, तो मैंने कल दोपहर में कहाँ भिगाई थी उसके बाद अब जाके मैंने पीसी हूँ। और पहले क्या करती थी, मैं उठती थी उसके बाद विंडोज़ वगैरह खोल देती थी फौरन, और अभी इतनी ठंडी है ना कि विंडोज़ वगैरह नहीं खोलती हूँ। जब गैस चालू होता है ना तो थोड़ी हीट बढ़ती है, गर्म लगने लग जाता है, तब उसके बाद फिर मैं जाके अपनी विंडोज़ खोलती हूँ। कभी कभी ना कुछ भी लेना होता है, मैं फ्रिज के पास जाती हूँ लेने के लिए और बाद में भूल जाती हूँ कि मैंने फ्रिज को क्यों खोली हूँ, क्या करने आई हूँ, फिर याद आता है हाँ मैं इस चीज़ के लिए आई हूँ। आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से कमेंट्स में आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मुझे बात करने समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बातें करूं, और इस तरह से थोड़े आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो मैं बता देती हूं कि ये हस्बैंड क्या करते हैं ना, एक के बाद एक दूध लाकर घर में रख देते हैं, और वो कोई भी उठा कर ले आते हैं, कभी मिल्क वाला ले, कभी पॉकेट वाला मिल्क लेके आएंगे, या कभी इस तरह से थैली में, जो उनको समझ में आता है। तो मैं ऑनलाइन से मंगाती नहीं हूँ, जब वो नहीं लाते थे ना तो मुझे ऑनलाइन से मंगाना पड़ता था, और ऑनलाइन पे जो अवेलेबल होता था मैं उस तरह से मंगा लेती थी। जैसे पहले इस पे से मंगाती थी, क्या कहते हैं, जेप्टो वगैरह से, तो उस पे भी कभी कभी नहीं अवेलेबल रहता है दूध, तो फिर कंट्री डिलाइट मंगाना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद तो हस्बैंड ऐसा किए कि डेली 1-1 लीटर दूध ले आते थे, तो वो इतना यूज़ में ही नहीं आता था, तो इस वजह से मैं फिर दूसरे पॉकेट्स या फिर पॉकेट्स के दूध मंगाना बंद कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड कोई भी उठा कर ले आते थे। और इसके अलावा तबेले का दूध आता है हमारे यहाँ पर, बिल्डिंग में ही ना डेली शाम में दूध आता है, तो वहाँ से लेते हैं, क्योंकि मालूम है अभी रमज़ान आने वाला है और उसके लिए मैं घी जमा करती हूँ। और एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही वक्त हो गया, मैं उसका सोची थी कैसे व्लॉग में ही जवाब दे दिया करूँगी, मगर टाइम पर भूल जाती थी। तो मेरा चैनल मोनिटाइज है, किसी ने पूछा था, तो हाँ मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है काफ़ी टाइम से।
और यहाँ पर मैंने चटनी बनाने के लिए नारियल ली हूँ गीला वाला, उसमें थोड़ी सी कोतमीर, हरी मिर्ची और जो चने की दाल आती है भुनी हुई जिनके छिलके नहीं होते हैं वो डाली हूँ, थोड़े से नमक ऐड करेंगे और बस इसमें पानी डालकर पीस लेंगे। साथ ही में मैंने वड़े में भी नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा सूजी डाल रही हूँ, इससे अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो मैं इसमें देख रही थी ज़्यादा दिन हो गया है, कहीं इसमें कीड़े वगैरह ना हो, अच्छे तो है ना, तो ये अच्छे थे इस वजह से फिर इसे भी मैं ऐड करती हूँ। थोड़े ही वक्त होते हैं तो इसमें कीड़े वगैरह बारीक बारीक बनना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से कभी भी मैं सूजी लाकर रखती हूँ ना तो उसे बार बार चेक करते रहती हूँ कि ख़राब तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर चाय बन गई है और मैंने बोली थी ना अब्बा आवाज़ सुन के उठ जाएंगे, तो वो उठ गए हैं। इस चाय को मैं अब्बा को भी देकर आ जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड के सर पे अगर नगाड़ा भी बजा दिया जाए ना तो उनकी आँख नहीं खुलती है, और वो बोलते हैं संडे के दिन मुझे 1 बजे उठाया करो, मगर मैं संडे के दिन इनको ना और जल्दी उठा देती हूँ, क्योंकि संडे के दिन मैं कुछ भी अगर बनाती हूँ ना तो सोचती हूँ जैसे ही बना है गरम गरम खा लें। तो चलते हैं अब अपना नाश्ता बनाने के लिए। वड़े में थोड़ा सा, वड़े के बैटर में थोड़ा सा मैं बारीक बारीक धनिया कट करके ऐड कर रही हूँ, मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं मगर मैं मिर्ची नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे खाते हैं। और वड़े के बैटर में मैंने सूजी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कोतमीर, सारी चीज़ें ऐड की हूँ, नमक ऐड की हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी चटनी थिक रखनी है, थिन रखनी है, टोटली आप पर डिपेंड है, आपको जैसा खाना है वैसा बना सकते हैं, बस नमक मिर्ची बराबर रहनी चाहिए। मैं थिक ही बनाती हूँ हमेशा। और यहाँ पर रख देते हैं, अब तेल गर्म होएगा जब तक कि मैं थोड़े से ना किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है कोई दूसरा काम कर ले, तो तेल गर्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा, जब तक कि मैं अपना किचन क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इस तरह से हमारा दूसरे काम भी होते रहेंगे। उसके बाद ऑयल नहीं गर्म हुआ था तो मैं बर्तन वगैरह भी धुली, थोड़े से जो निकले थे चाय बने थे दाल के, चटनी वगैरह के। इस तरह से अगर हम काम करेंगे ना तो हमारे ढेर सारे बर्तन जमा नहीं होंगे और बाद में हमारा दिमाग नहीं ख़राब होता है। कभी कभी आप खुद सोचते होंगे ना अगर किचन वगैरह क्लीन हो, अच्छा साफ़ सुथरा हो तो काम करने में भी कितना मज़ा आता है, कुकिंग करने में कितना मज़ा आता है, लेकिन वहीं अगर किचन खान हो, अगर आपने रात में बर्तन वगैरह नहीं धुला और मॉर्निंग हुई और देख रहे हैं किचन ऐसे ही गंदा पड़ा है तो और आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है। वही किचन क्लीन हो, सारी जगह पे अपनी अपनी चीज़ें रखी हो तो काम करने में भी मज़ा आता है और एनर्जी भी आ जाती है, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इसे फ्राई करते इतना टाइम हो गया हाई फ्लेम पर और अचानक में फ्लेम हाई है लेकिन बन नहीं रहा है जल्दी, और पूरे जो वड़े हैं ना वो तेल ऑब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तेल तेल हो रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि गैस ख़त्म होने वाला है। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले भी हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि गैस ख़त्म हो रहा है। उससे पहले क्या होता था, गैस ख़त्म होने वाला रहता है ना तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, गैस ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर अब जो ख़त्म होने वाला है ना तो स्लो हो जाता है, कोई भी चीज़ पकाएंगे ना तो जल्दी पकती ही नहीं है। मैं सोची थी ना बनाकर फूफू के यहाँ और इसकी अहमद की टीचरों के यहाँ दे दूंगी, लेकिन नहीं बन रहा था, तेल ऑब्जॉर्ब हो रहा था, तो मैंने क्या की ना बहुत ज़्यादा तेल ख़त्म हो जाता, थोड़ा सा बना ली अपने नाश्ते के लिए और बैटर उठाकर रख दी फ्रीज में। अभी मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड तो कह रहे थे गैस स्लो हो गया है, चले जाओ कल बाटला आ जाएगा, तो मैं बोली जितना बचा है वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, कि ऐसे ही दे देंगे, स्लो हुआ है ख़त्म थोड़ी ना हुआ है। वो बोल रहे थे अम्मी क्या चले जाओ रात में, मैं माहिम जाने वाला हूँ फिर देर से आऊँगा, तो मुझे तो वैसे भी रात में घर वापस ही आना था, यहाँ पर दिन के लिए वहाँ पर जाऊँ फिर रात में वापस आऊँ, क्योंकि दूसरे दिन अहमद की स्कूल है। और फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि अब बना ही रहे हो तो वो क्या कहते हैं चिकन फ्राई बना लो हो जाएगा, तो मैं बोली फ्राई करने में ही तो ज़्यादा वो हो रहा है, स्लो स्लो तो पकते भी रहता है लेकिन फ्राई करने में तेल ऑब्जॉर्ब कर लेगा जब वो हीट ही बराबर नहीं मिलेगी तो। और रात के कुछ दाल राइस बचे हुए थे, रोटियां भी कल की थी, तो शुक्र है कि कुछ भी नहीं बनाना था, बस चिकन को मसाला लगा रही थी मैं ऐसे एकदम सिंपल तरीके से, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर ली थी, उसके बाद चिकन डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भुनना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, चिकन का पाउडर है वो ऐड कर दें और लाल मिर्ची पाउडर तीखे के हिसाब से, और मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं तो 2-3 चम्मच यानी कि थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है ताकि ये नीचे से जले नहीं
अब इसे ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर 100% कुक कर लेना है। एकदम सिंपल सा बेसिक मसालों से बना और इतना मस्त चटपटा तीखा सा बनता है, बस इसे गार्निश करें और सर्व करें, एकदम फटाक से हो गया। तो लंच के बाद ना बच्चों को मैं दोपहर में सुलाती हूँ, वरना अहमद ना दोपहर में नहीं सोएगा तो फिर शाम में कहीं भी बाहर जाएंगे तो सोने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 बज गए थे, पानी आ गया था, तो थोड़े बहुत जो लंच के बर्तन थे वो धुलने थे और वाटर बॉटल वगैरह भरनी थी। 4 बजे पानी इतना तेज़ आता है ना कि ऐसा कोई भी काम हो, बर्तन धुलने, किचन धुलने का, तो ये टाइम पे ना काम करने ज़्यादा मज़ा आता है पानी का। मॉर्निंग में जो मिल्क मैंने गर्म की थी उसमें से थोड़ा मैं फ्रिज में रख दी थी ठंडा होने के बाद, तो मलाई थोड़ी सी जम गई थी तो सोची निकाल लेती हूँ क्योंकि वो वैसे ही उसकी चाय बनने वाली है। और यहाँ पर असर के बाद अब्बा दूध लेकर आते हैं तो उसे गर्म करने रख दी और एक तरफ चाय चढ़ा दी। नाश्ते में मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली थी तो हस्बैंड को बोली बना देती हूँ, खा लो आज संडे है छुट्टी है, तो बोले नहीं मैं जा रहा हूँ माही। असर के टाइम में नाश्ता बनाने बोली तो मना कर दिए, बोले नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ माही। और अभी हो रहे हैं कितने, 7:30। अब इनको मोमोज खाने का है, हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। चलो कहाँ जाते हैं बताती हूँ। तो यहाँ सामने दिख रहा है ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग मोमोज खाने के लिए। अभी जा रहे हैं कार पार्क करने के लिए, तो आज यह हमारा गर्मा गर्म मोमोज। मैं ना स्टीम मोमोज खाती हूँ और हस्बैंड को फ्राई मोमोज पसंद है। तो मोमोज खाने के बाद फिर गए वहाँ से टी वगैरह पीकर फिर घर पर आ गए। हस्बैंड चले गए अपने भाई के साथ, यहाँ से तो बोल कर गए मैं माहिम जा रहा हूँ, अब कब जाते माहिम क्या मालूम। और मैं गाजर एक कुकर में ना गाजर चढ़ाई थी गलने के लिए, अब उसका रबड़ ऐसा ख़राब हो गया है कि पूरा जो उसमें मिल्क वगैरह डाली थी वो बाहर आ रहा है। तो लो फ्लेम पर करके मैंने उसे रख दी हूँ, कब तो भी पके। और यहाँ पर पुलाव बना रही हूँ, इसमें सारे खड़े मसाले मैंने डाली हूँ। उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज को भून ली हूँ अच्छे से, जब भून गया है तो उसके अंदर टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से बॉयल स्वीट कॉर्न ऐड की हूँ। ऐड करने वाली थी मटर मगर फ्रिज खोलने के बाद याद आया मटर ही नहीं है, मटर तो मैंने सारे पका डाली थी। उसके बाद इस पे मैंने चिकन क्यूब्स ऐड की हूँ, थोड़े से गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास कीमे रखे, चिकन का कीमा है और गला हुआ है, अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहे तो चिकन डालकर भून सकते हैं, मगर मेरे पास अभी मैं सोची कि कहीं गैस ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से वो डालकर भून दी। सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। तो ब्लैक पेपर पाउडर पहले ही ऐड करना था, वो भी भून जाता मगर मैं भूल गई थी। और उसके बाद यहाँ पर कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से पक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे चावलों के हिसाब का पानी, और चावलों में जब पानी में जब उबाल आ जाए तो इसमें ऐड कर देंगे चावल और नमक वगैरह जो है टेस्ट कर लेंगे। बस अभी से कुक कर लेना है। तो मेरा और अब्बा बच्चों लोग का, हम लोगों का जो डिनर हो गया है, हस्बैंड आए नहीं थे तो उनका नहीं हुआ है। और उसके बाद मैंने डिनर के बाद ये जो बाकी का प्रोसेस बाकी था ना हलवे बनाने का शुरू की थी, क्योंकि गैस बहुत ही स्लो स्लो चल रही थी और सीटी भी ख़राब हो गई थी। और मालूम है मैं ग्रेट कर नहीं बनाती हूँ, अखे ही कटिंग करके डाल दी थी,
तो फटाफट से यहाँ पर गाजर बनाई, और अभी हो रहे हैं रात के 11:30। तो हस्बैंड को कॉल लगाई, मैं बोली चलो अम्मी के यहाँ जाके आते हैं, हलवा दे के आते हैं, तो बोले चलो। तो बस फटाफट से यहाँ पर पैक करने लगी और अब निकलते हैं। थोड़ी सी बातचीत की है, नानी आने वाले हैं गांव से, अजीम आज पहुंच गया है, नानी भी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ आते हैं या नहीं थोड़ी वक्त में। उनको शुगर है ना, तो इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, मतलब ठीक नहीं हो रहा है 6-7 महीने से। तो यहाँ पर आएंगे इलाज करवाने, तबीयत ठीक नहीं रहती। घर पे से जाकर आ गए हैं हम लोग, और थोड़ा सा खाना मैंने थोड़ा थोड़ा सा गर्म की और हस्बैंड को देने जा रही हूँ। आते समय ना हम लोग डिपो के पास पहुँचे, वहाँ से एक लड़का एक्टिवा लेके इतनी स्पीड में आ रहा था, ऐसा स्लिप हुआ ना, मैं ऐसा ऐसे फिल्मों में देखते ना, एकदम जोर से धड़ाम से जाके दूर गिरते हैं, वैसा वो गिरा, उसकी एक्टिवा घसड़ के इतनी दूर जाके गिरी। बाप रे, ऐसा मैंने एकदम अपनी आंखों से देखी, बाजू में ही चल रहा था हम लोग के, एकदम अचानक में गिरा, लेकिन थोड़ी दूरी पे थे, बच गए, वरना हम लोग भी साथ में जाते थे। और आसपास भी कोई नहीं था, रोड पूरा खाली था, रात का समय था, करके ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना उसके साथ और दो को लेके जाता वो।